दोनों ग्लास बीकर में एक में एसिड है और दूसरे में बेस है, और ये हमारे पास है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन को जैसे ही हम एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, बट बेस में डालते ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इसमें से एसिड कौन है और बेस कौन सा है। मैं इस सभी फिनोफ्थलीन डाल रहा हूं, यहां पे आप देखो इसमें मैं डाल रहा हूं तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा होगा, बट यहां पे देखते हुए हम ओ माई गॉड, यहां पे आपने देखा कि क्या ये पिंक कलर में चेंज हो रहा है धीरे धीरे। थोड़ा सा इसको मिक्स करने की जरूरत है, ये पिंक कलर में चेंज हो गया। तो आपको बताना है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है।